तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये आपके पास रेशनल फंक्शन है, वो भी प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? नीचे 3 डिग्री पॉलिनॉमियल, ऊपर 1 डिग्री पॉलिनॉमियल। अब क्या नीचे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस वन बच जाएगा, और यहाँ से माइनस वन कॉमन करते हैं तब भी एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कायदे से फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, दैट कुड बी रिटन एज एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन कर लीजिए एक्स माइनस वन, तो फर्दर क्या हो जाएगा? 3x+5 ओवर एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज कर लेंगे फर्दर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ये खुद एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन देगा, तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब आप साफ साफ दिख रहा होगा कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे हम लोग? जैसा हम लोग जानते हैं या आपको बताया गया होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, है ना। क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वलेंट आइडेंटिटी आ जाएगी दैट कुड बी ए टाइम्स, कितना हो जाएगा अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो एक ब्रैकेट कटेगा एक्स माइनस वन, एक बच जाएगा, एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस वन स्क्वायर वाले के यहाँ ये पूरा कट जाएगा, बी टाइम्स बचेगा आपका एक्स प्लस वन, और प्लस सी टाइम्स आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आपको कोई सूटेबल वैल्यू ए बी सी की वैल्यू प्लेस करनी है सो दैट कि आपको ए बी सी आराम से आ जाए। ये आइडेंटिटी है, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है कि ए एक्स की वैल्यू क्या प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो कुछ भी प्लेस कर देते हैं, बशर्ते हम लोग ध्यान दें कि कुछ काम बने। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो ए अब्सेंट हो जाएगा और सी अब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बी आ जाएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वस टू वन, तो थ्री इंटू वन, थ्री प्लस फाइव एट हो जाएगा, इक्वस टू ये जीरो हो गया, लास्ट वाला जीरो हो गया, टू बी आ गया। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई, ठीक है। कोफिशियंट कंपेरिजन से आप अप्रोच करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो बिल्कुल उस तरह से अप्रोच मत करिएगा, है ना, वैसे ही घबरा जाएंगे आप। एक्स इक्वस टू माइनस वन प्लेस कर देते हैं, अगर माइनस वन प्लेस कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा आपका इसकी वजह से, और बी जीरो हो जाएगा, बचा सी वैल्यू आ जाएगी आपकी सी की। तो माइनस वन रखते ही ये टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस थ्री प्लस फाइव टू हो गया, टू इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और वहाँ बचा माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर सी हो गया, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई हाफ। अब रही बात ए निकालने की, तो अब आपके पास तो कोई तरीका नहीं है, तो कुछ भी रख दीजिए, एक्स जीरो रख देते हैं ना, इससे आसान क्या हो सकता है। तो एक्स जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो, व्हाट्स वी गेट, फाइव इक्वल्स टू ये आपका माइनस वन इंटू वन, माइनस वन बचेगा तो माइनस ए आ गया आपका, है ना। उसके बाद फिर ये प्लस का बी हो गया, और फिर क्या हो गया, जीरो मतलब सी हो गया प्लस का, और आपके पास बी और सी तो पहले ही आ चुका है। क्या कर दें हम लोग, बी और सी प्लेस कर दें आप, नेक्स्ट करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं फोर, और यहाँ पे हो गया आपका हाफ। अब देखिए फाइव और फोर क्या बचा यहाँ पे, माइनस वन, है ना, इसको हटा के हम जीरो लिख देते हैं, यहाँ माइनस वन, ए इधर आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन प्लस हाफ, माइनस हाफ बचा, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस हाफ, है ना। आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा ये तीनों आ चुका है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, दैट इज माइनस हाफ, बी की वैल्यू हमारी आई थी फोर, और सी की वैल्यू आई थी हाफ। अब देखिए तीनों ही इंटीग्रेट करना आसान है ना, तो ये हटा दे रहे हैं, आप तो नीचे लिख रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। तो देखिए इंटीग्रेट, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना मतलब आपके पास इसको इंटीग्रेट करना, इक्वलेंटली इसको इंटीग्रेट करना, है ना, या इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना, डी एक्स, और तीनों ही इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे काफ़ी आसान है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे। चलिए एक लाइन हम साफ साफ लिख देते हैं, वैसे काफ़ी कुछ
x माइनस वन डी एक्स और प्लस फोर बाहर कर लेते हैं, दैट इज वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स और प्लस हाफ बाहर कर लेते हैं, वन अपॉन x प्लस वन डी एक्स हो गया। तो ये दो का तो आसान है, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड x माइनस वन, है ना। लास्ट वाले को पहले लिख लेते हैं हम, उसका भी हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस वन, इसका क्या होगा प्लस फोर टाइम्स। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू डी एक्स, और इसका देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा, x माइनस वन का डेरिवेटिव वन आएगा। तो अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है आपका एफ डैश एक्स है, मतलब एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लगाएंगे, है ना। तो ये माइनस वन बाई आ जाएगा, तो माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट फाइनली सी हो गया। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से हाफ बाहर कर लेते हैं, तो हाफ बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस का लॉग, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ये वाला लिखते हैं फिर लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन और ये ब्रैकेट क्लोज। और लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन होता है ना, तो हम यही लिख दे रहे हैं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। तो होल मॉड कर देते हैं ना और यहाँ से हटा देते हैं, अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, माइनस तो यहाँ पे है ही है आपका, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।